हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज है ईद डे टू और अभी हम लोग उठ चुके हैं। आज फ्राइडे भी है तो सोहेल वगैरह सब नमाज पढ़ने के लिए जाने वाले हैं। स्वैब जा चुका है और सोहेल जाने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए। थोड़ा लेट हो गया, नहाते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आज जो है ना अम्मी के घर भी जाना है, फूफू के घर भी जाना है और कुछ चीज़ लेने के लिए मेरे को मार्केट भी जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। कल हम लोगों ने काजल लगाया था ना, आपके नीचे सारी काजल आ गया है। और कल ईद का जो है ना हमने ब्लॉग भी नहीं शूट किया था, एंडिंग नहीं ली थी तो वो अभी हमने जस्ट ली है। तो ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये जो चिड़िया के जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, पूरे टाइम ऐसे ही करते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल नहाते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं और फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइस अभी हम रेडी हो गए और निकल रहे हैं, 4 बज गए हैं, काफ़ी पहले से रेडी हुए थे। कुछ लोग आ गए थे घर पे उन्हें अटेंड करने के बाद अभी हम लोग निकलने वाले हैं बाहर। पहुंच गए हम फूफू के घर। क्या मुँह छिपा देंगे हम, तुम्हारा छिपा देंगे, बैठी रहो नॉर्मल। क्या मेहनत करोगी? उल्टा दुपट्टा है, तुम मत बना। के सूट का कलर सेम है। ओके भाई, अच्छा। हाँ अच्छा लगा, देखे पापा ने पसंद किया, खोल के देखा ही पसंद है दोनों। पापा ने हमने बोला कि ये ले लो यहाँ। गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं बेली जाने के लिए और मेरे साथ जा रही है हया भी साथ में। कितना काला काला सा फेस लग रहा है, काजल लगा लिया है ना, ऐसे डार्क सर्कल लग रहा है गाइज, ऐसे पंच मारा हो कोई। जा रहे हैं, बाय, अल्लाह हाफिज। सीटी कितनी महंगी किसकी लाल हुई है? मेरी लाल हुई थी बहुत दिन। काजल लगाई थी क्या तुम? नहीं, लाइनर लगाती है, पूरी आँख काली हो जाती है। ये देखे माँ बेटी का प्यार, एक दिन के लिए जा रही है बस। तो यार है। दो दिन और बोलती है कि पापा पैसा ज्यादा देंगे। अंकल एक दिन हम बोले कि तुमको किडनैप कर लेंगे तो पैसा कौन देगा ज्यादा, कौन कितना पैसा देगा, तो बोली पापा 2000 देंगे, मम्मा 1000 देंगे। चतुर है यार, चतुर। ईदी अपनी गिन कर रखी, जल्दी करो भैया। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं डेली अम्मी के घर। अस्सलाम वालेकुम, कहो कहो अस्सलाम वालेकुम, बोलो कौन बोल रहा है? अस्सलाम वालेकुम कह दो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई कह दो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई कह दो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई आ जा, अच्छा तुम इधर आ रहे हो ऊपर ज़्यादा हमको लगता।
तुम हम इधर बैठ जाएंगे। रिमोट दे दो, शेर को ठंडी लग रही। ठीक है वो नहीं ऊपर का है ना, शायद गर्म रहता हो। हाँ ये सही है, लाइट है ना। हाँ जाते ये एक लड़की चौक में मिली बरामदे में, आप तो हमको बताते, हम आपको क्या बता पाएंगे। इसके दिमाग में जो चलता रहता है भाई सुनाई देता है। उसको पापा सुनाई देता था, है ना, पापा को लगता था पापा बोल, पापा अम्मी कहती है, पापा बोलता है। सर हाँ सर, अरे प्यासे कीजिए, आप मत्था इतना चमक रहा है यहाँ। यहाँ तो ऑयल है पूरा, टिश्यू दो तो। गाइस हम लोगों की आइसक्रीम, तुम बोल तो मेरे व्लॉग में भी आ जाएगा। तो कभी कभी यही तो करते हैं, आप रेसिपी उस पर बता दें। और फिर नेक्स्ट डे घर पे जो है ना वाईफाई का कुछ प्लान चल रहा था, और सुबह भैया आ गए थे वाईफाई लगाने के लिए, तो काफ़ी सुबह ही उठ गए थे हम, नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने सोचा था दोबारा से सो जाएंगे, लेकिन सोने का मौका ही नहीं मिला। फिर ये सारी चीज़ें हमें करवानी पड़ी क्योंकि सुहेल भी घर पर नहीं थे, उन्हें भी किसी काम की वजह से जाना पड़ा था, तो फिर हमने और स्वाब ने ये सारी चीज़ें मिलके हैंडल की। वाईफाई के साथ साथ आज हम लोगों के घर में ना कितने सालों के बाद, आई थिंक लॉकडाउन के बाद घर में टीवी लगने वाली थी, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे ही टीवी ख़राब हो गई थी, और फिर सबके पास फ़ोन होते हैं तो सब फ़ोन में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और सब कुछ फ़ोन में ही देख लेते हैं, तो इसलिए टीवी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी वाईफाई लग रहा था तो सुहेल ने बोला लगे हाथ ये सारी चीज़ें भी करा लेते हैं, और टीवी भी बन कर आ गई थी तो खाली टीवी लगी होती है। तो फिलहाल खैर ये चीज़, ये हम आज टीवी लगे हुए दो दिन हो गया है और हम आज अब वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो है कि अगर टीवी नहीं थी ना तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर थी। अभी लोग टीवी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मूवीज़ वगैरह देखने में, तो जो चीज़ें जितनी चीज़ें मतलब अपनी लाइफ से आप कट करते जाओ ना उतना बेहतर होता है मेरे हिसाब से, स्पेशली टीवी, बहुत ज़्यादा टाइम भी बर्बाद होता है इसके पीछे। तो फिलहाल जो है अब आ गई है, लग रही है तो लगने देते हैं। वैसे हम और राहत ही होंगे, अभी बच्चे वगैरह हैं तो इसलिए ज़्यादा टीवी यूज़ हो रही है, शी पप्पी के बच्चे, और फिर हम और राहत होंगे तो उतना कोई हम लोग देखने वाले नहीं हैं। गाइस हम लोग सबसे पहले आए थे, कुर्सी पड़ रहे हैं इसमें ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इस लड़की का एंगेजमेंट। हम लोग टीवी पे अपना व्लॉग देख रहे थे और इतना ज्यादा मजा आ रहा था, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था टीवी में, इंटरेस्टिंग लग रहा था ना, इतना ज्यादा फोन पे नहीं लगता है, पता नहीं क्यों, या बहुत दिन के बाद इसका एंगेजमेंट व्लॉग देख रहे थे इसलिए ऐसी ऐसा। अभी टीवी वगैरह बंद हो गई, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये ये सब प्लान था, ये सब शिवा पी ऑफ कैमरा हम लोगों को ईदी दे चुकी थी, इसे हम लोग बोले अरे ब्लॉग भी तो बनाना है, फिर वापस कर लिया, वापस देके फिर से ले लिया हम लोग। जवान तुम क्या कह रहे थे, जवान बेइज्जती कर रहा है, जवान क्या कह रहे थे, आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़ायरा की ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छे से खड़ी हो गंदी सी लग रही, कंजरी सी लग रही।
और नाराज पप्पा कैसे लग रहे हैं ये बताइएगा। नहीं मेहंदी देखी गई, ये शिवा पीने लगाई है मेहंदी। अब तू देख, अब तू गया बेटा व्लॉग देख, अब तेरे बैंड बजाना। ये मेरी इश्क मेहंदी लाल हो गई जो कि रास्ते में ही छुटा दिए थे हम। अच्छी लग रही है, सिर्फ ये भी ऐसे मन करता सिर्फ यही लगा देना है ना, मन मेरा पीछे भी था लेकिन मेरा हाथ पीछे ही लगा लेती आप चाहे तो। क्या हो रहा है और नहाओ और नहाओ, तो कोई पीछे जाओ, पीछे उधर उधर पीछे जाओ, पीछे जाओ ना। तो गाइस आज है ईद डे 3 और हम लोग निकल चुके हैं अपने काम के लिए। बुकिंग थी मेरी आज, तो अभी हम लोग रास्ते में हैं और हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि कल जो है ना जब दिल्ली से आए थे वापस, घर पहुंचते ही मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी और फिर वॉमिट हो गई, तो उसकी वजह से उसके डर की वजह से हमने ना कल रात में मतलब खा ही लिया था, जो कि हमने बहुत ज्यादा खाया भी नहीं था। जब हम बेली गए थे तो हम ज्यादा खा कर नहीं गए थे घर से, मतलब समझ लीजिए खाए ही नहीं थे क्योंकि कुछ बनाया ही नहीं था। एनीवेज जो भी था उसके डर की वजह से हमने सुबह भी आज सुबह भी नहीं खाया। अभी आई थिंक कितने बज रहे हैं, एक सेकेंड बताते हैं, आज अभी 3:10 हो रहे हैं तो भूख लग रही थी हमें भी और सुहेल को भी। सुहेल भी डायरेक्ट गए थे कहीं काम से, डायरेक्ट आए तो बस हम लोग निकल गए, ले रहे हैं खीरा। यहाँ कहीं साइड से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, गाड़ी थोड़ा आगे है। और ये हाया दीदी जा रही है, याशी नहीं जा रही है। तो इससे पहले भी हम लोग इस जगह पे जा चुके हैं काम के पर्पस से ही, तो हम हाया हाँ उनिया हम हाया याशी सब लोग गए थे, तो इस बार भी उन्होंने बोला कि ले आइएगा उन लोगों को, तो आपकी हाया है याशी नहीं है। याशी का कल तक मूड था लेकिन आज जिस भी वजह से कैंसिल हो गया उसका मूड नहीं था। फिलहाल चलते हैं भाई, अभी हम लोग आ गए हैं मेन्यू पे, दुल्हन भी आ चुकी है। यहाँ पे लड़के का वो चल रहा है परीक्षा जो दिया वगैरह जाता है, हम और हाया। अरे ये था फोटो पॉइंट, हाया यहाँ खड़ी होना, देखे तुम्हारा फेस कैसा लग रहा है। तुम्हारी गायब दिख रही थी सही में, ये हमारा बात। हाया के पेट में अभी भी जगह, इतनी जोर से भूख लग रही थी हम लोगों को, हमने दिखाया भी नहीं आपको कि यहाँ पे खाने में क्या क्या है। बहुत सारी वैरायटीज हैं और मैं दिखा कर आती हूँ, जो दिखा कर है रानी, है रानी हो गया पेट में जगह नहीं है अब इसके लिए। तो गाइस बस ये था मेरा 2 दिन का व्लॉग, होप आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अभी तक जो है ना हम लोग थक चुके थे, तो आप व्लॉग आगे कंटिन्यू